In this video, we take a numerical problem. Two free point charge plus 4e and plus e are placed at a distance a apart. Where should a third point charge minus q be placed between them such that the entire system may be in equilibrium? What should be the magnitude and sign of q? What type of equilibrium will it be? तो हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं प्लस फोर ई एंड प्लस ई और ये प्लेस्ड हमारे रखे हुए हैं एट अ डिस्टेंस ए. ए डिस्टेंस के इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो ए है और एक थर्ड चार्ज है माइनस क्यू इनके बीच में रखा जाता है थर्ड. ठीक है, तो सपोज दैट ये यहाँ पर रखा हुआ है, हमने थर्ड रखा. इसकी जो डिस्टेंस है फर्स्ट वाले से सपोज दैट हमने कह दिया x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारी a माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस a है. ठीक है, अब प्लस है, प्लस दोनों प्लस के हैं तो इन पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल टू ईच अदर करेंगे. बस थर्ड है, थर्ड में क्या होगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, इस तरह से लगेगा. ठीक, देन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज प्लस फोर ई एफ वन एफ डैश, इस पर देखते हैं. तो वाई द कूलम्स लॉ, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर ई, यानी क्यू वन ये हो गया, क्यू टू क्या हो गया हमारे पास, ये वाला देखेंगे. सबसे पहले टू चार्ज के बीच लगा रहे हैं हम प्लस ई. ठीक है, प्लस ई इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो अपॉन ए स्क्वायर. देन एफ वन निकाला है ना हमने, अब एफ डैश कैसे निकालोगे, ये वाला. तो एफ डैश इन दोनों के बीच देखेंगे, फोर ई वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर ई इन टू क्यू अपॉन, अब इसके बीच डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर. ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर. सॉल्व कर लेते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट से कट गया, ये हमारे पास फोर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल हमारे पास आया फोर ई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर. कुछ और इसमें से कैंसिल हो रहा है, फोर से फोर कैंसिल हो रहा है, ई से एक ई कैंसिल हो रही है, तो ये हमारे पास आया क्यू इक्वल. यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू क्यू इक्वल ई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. यहाँ इससे q की वैल्यू आ गई. सेकंड है फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज माइनस q. ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में. इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में हम क्या करेंगे, इसके इसके बीच कूलॉम्ब्स लॉ लगाएंगे, इसके इसके बीच कूलॉम्ब्स लॉ लगा देंगे. ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स एफ वन बिटवीन, चलो इसके इसके बीच कूलॉम्ब्स लॉ लगा दूँ आप, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर ई इन टू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो फोर ई की जगह ई है सिर्फ, इन टू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर. कुछ कट रहा है, काट दो, ई से ई कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर फोर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, तो x इक्वल हो गया हमारे पास टू ए वाई थर्ड आया, क्योंकि सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करेंगे x इक्वल टू ए माइनस टू एक्स, तो ये आ जाएगा टू एक्स इधर, थ्री एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ से x इक्वल आ गया टू ए अपॉन थ्री. देन हम करेंगे क्या, q इक्वल ई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, दिस इज द फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसका, q का, तो e x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर की हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, e अपॉन a स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, 2a अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास e 4a स्क्वायर अपॉन
नाइन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, तो क्यू का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया हमारे पास 4e/9। दिस इज योर आंसर।